देख रहे हैं केवल सच। केवल सच न्यूज और मैं मणिभूषण तिवारी अपने सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह के साथ, और मैं अभी बडीहा गांव में हरपुर पंचायत के ये बिल्कुल नए प्रत्याशी हैं अपने वार्ड के लिए, वार्ड सदस्य पद से नामांकन किए हैं। और अपना नाम बताइए। कुंदन कुमार इनका नाम हुआ। कुंदन जी, आपको चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से और किससे मिली? सबसे पहले तो मेरी सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि रहती थी, ये सब देख करके गांव वालों ने और जो भी गार्जियन तुल यहाँ के जनता है सब लोगों ने सपोर्ट किया कि तुमको इसमें काफ़ी रुचि रहती है, तुम वार्ड सदस्य से लड़ो। और जो पिछले वार्ड थे उनका काम देख करके इतना बुरा स्थिति है इस वार्ड में कि अभी जल नल का मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ, उसका 0% उसका श्रेय दिया जाएगा कि उन्होंने काम किया। और इसी के लेकर के 6 नंबर वार्ड के जनता लोग बोले कि नहीं, तुम खड़ा होखो और मेरे तरफ से, हमारे तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहेगा और तुमको विजयी बनाया जाएगा। और इसके चलते उन लोगों से मुझे प्रेरणा जगी और मैं अपने उन लोगों के बातों पर खरा उतरने के काफ़ी कोशिश करूँगा। और गार्जियन तुल का मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ यहाँ के सभी युवा वर्ग को भी। और सबसे पहले ये 6 नंबर वार्ड के हरपुर पंचायत के जनता को मेरा सादर प्रणाम है सबको। आप ये बताइए कि आपका घर से प्रखंड मुख्यालय की दूरी कितनी है? मेरे घर से अप्रॉक्स 7.5 किलोमीटर, लगभग 7.5 किलोमीटर। रास्ते का क्या पोजीशन है, सड़क किस हाल में है? ये तो आप भी देख रहे हैं और इधर की सारी जनता देख रही है कि इतना जर्जर स्थिति है कि शायद कहा जाए तो इस भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे खराब रोड यही है, बागर मनेनी पथ जो है, बहुत खराब स्थिति है। आपके वार्ड में कोई विकलांग व्यक्ति भी है जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है? मेरे वार्ड में है, हाँ, 2 लोग विकलांग में है जिनको लाभ नहीं मिल पाता है। आपके क्षेत्र में किसानों की किसी बड़ी समस्या को बताइए? मेरे यहाँ किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि जो नहर है, छोटा नहर है जिसको ग्रामीण भाषा में लोग पाइप का यूज करते हैं, उसका स्थिति इतना दयनीय है कि जो हम लोगों को उत्तर साइड में जो बधार पड़ता है, खेत पड़ता है, वहाँ पर पानी थोड़ा सा भी नहीं जा पाता है। और मेरे द्वारा कोशिश यही रहेगा कि फर्स्ट का यही किया जाएगा कि इन लोगों को, किसान को काफ़ी सुविधा मिले और उनके खेतों तक पानी पहुंचे। मनरेगा में जॉब कार्ड की उपयोगिता के बारे में बताइए। मनरेगा में जॉब कार्ड का उपयोगिता यही है कि कोई भी अगर सरकार का स्कीम आती है मनरेगा के थ्रू तो उनको फर्स्ट श्रेय दिया जाएगा, उनको फर्स्ट लाभान्वित वही होंगे जिनको मनरेगा कार्ड रहेगा। क्या आपके संज्ञान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका बीपीएल सूची में नाम होते हुए भी उनको आवास योजना या राशन की राशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा? जी, बहुत सारे लोग हैं और इसी के देख करके मेरे गांव वाले ने हमको सपोर्ट किया कि ये लड़का इसके योग्य है। और मुझे खुशी भी है, अपने आप पे गर्व भी एहसास होता है कि गाँव के जनता लोग मुझे चुना और मैं उस पर 110% दावे के साथ कहता हूँ कि खड़ा उतरूंगा। क्या विकास सिर्फ गली नाली और सड़कों तक ही सीमित है या इससे ऊपर भी उठ के कुछ विकास का कार्य किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, जो भी अधिकारी लोग चाहे या यहाँ की जनता चाहे, सारा चीज पॉसिबल है। आपके नज़र में स्वयं सहायता समूह की क्या उपयोगिता है? स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें हम आपको एक पहले 2 साल पहले हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक थे नेहरू युवा केंद्र के, तो उसमें ये होता था कि वो भी एक स्वयं सहायता समूह ही है, उसमें ये होता था कि जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं
उनको लोग चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेलकूद हो, उनको लोगों को अवेयर किया जाता था और इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती थी, जिससे बहुत सारे लोग भी लाभान्वित हुए और हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो है नहीं हो पाया कोरोना के लेकर के, क्योंकि उस टाइम में पब्लिक को इकट्ठा करके नहीं कोई प्रोग्राम किया जाता था, तो बहुत सारा प्रोग्राम जो था और पोस्टपोन्ड हो जा रहा था और सिर्फ कुछ ही लोगों के द्वारा ये प्रोग्राम होता था, जो वीडियो कॉलिंग के द्वारा किसी को अवेयर किया जाता था, सोशल मीडिया के द्वारा जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इसी के द्वारा हो गया। और मुझे दुख है कि उस रीजन में हम नहीं हैं कि खुल के कोई प्रोग्राम कराए, बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन कराए, इस टाइप का मुझे अवसर ही नहीं मिला। आपके गांव के आसपास कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है? मेरे गांव के आसपास नहीं, मेरे एक पंचायत में है करनौल में, वहां पर है स्वास्थ्य केंद्र। उसकी स्थिति कैसी है? उसकी स्थिति बहुत बेकार है, बिल्कुल कहा जाए तो सिर्फ नाम का है, वो डॉक्टर नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, सिर्फ इंजेक्शन पड़ता है महीने में दो बार, वो भी सेकेंड वीक और लास्ट वीक में। अच्छा, आए दिन सुनने को मिलता है कि किसानों का बिजली से करंट से मृत्यु हो गया खेतों में, तो इसको क्या कम किया जा सकता है? कोई व्यवस्था, कोई उपाय है आपके नज़र में? मेरे नज़र में ये उपाय है कि लोगों को सबसे पहले तो इससे अवेयर होना होगा, जानकारी प्राप्त करना होगा कि बिजली से कैसे हम मतलब सावधानी बरतें, और उसको सरकार को भी चाहिए कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है पानी का और जहाँ मतलब नहर का पानी नहीं जा पा रहा है, वहाँ अपने द्वारा सरकार अपने स्कीम के द्वारा वहाँ पर बिजली ले जाए, जिससे मतलब किसान को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाए कि अपने तरह से तार टांग करके किसी के मतलब टूटे फूटे तार के द्वारा पानी वहाँ पे सिंचाई का साधन करे, इस तरह का नहीं होना चाहिए, सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए।